module 143 and in production analysis we are going to study the accounting cost as the production process it goes on there are the various types of the cost but the issue is this that either the producer is going to have the notation or the registration of all these type of the costs or अगर हम इस अल्फात को मैं और आपके सामने सादा बयान में रखूँ तो वो ये होगा कि जब एक प्रोडक्शन प्रोसेस शुरू होता है तो उसमें मुख्तफ किस्म के अखराज का तखमी लगाया जाता है लेकिन जब प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा होता है तो उसमें बहुत सारे ऐसे अखराज जिनको हमने पहले एक्सपेक्ट नहीं किया होता वो भी हो सकते हैं और उसी तरीके से हो सकता है कि जब हम बात करें तखमीना की तो हमने कुछ का पहले तखमीना लगाया ही ना हो तो इसीलिए बहुत से अखराजा की इकसाम ऐसी हो सकती हैं जिसको जब एक प्रोड्यूसर या एंटरप्रेन्योर हिसाब किताब रख रहा हो तो वो अपने हिसाब में इंदराज ही नहीं करता या जुबानी तौर तो पे कर रहा है तो बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रोसीजर को अगर हम देखें तो दैट इज़ अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व बेसिकली द रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ द कॉस्ट इन द proper ledger और in the proper book shape, so the cost they will be entered in the particular type of the setup. mean might be there are certain units of production, हमारे पास कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनकी हमारे पास valuation होना ही मुश्किल है तो क्या उसका इंदराज इसमें होगा या नहीं होगा तो बेसिकली कास्ट अकाउंटिंग जो है वो इन्वॉल्व करती है कि जितनी किस्म के भी अखराजात हों उनको प्रॉपरली हम लेजर की शक्ल में या एक सेटअप या जिस आज कल कम्प्यूटराइज सेटअप आ गए हैं उसमें उनका इंदराज हो ताकि उसकी कल को असेसमेंट हो सके नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि ये कॉस्ट अकाउंटिंग क्या शुरू से ही हो रही थी अभी तक जो हमारे पास मुख्तफ़ किस्म का डाटा आता है तो देन इट कम्स टू दैट दैट वैन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन स्टार्टेड और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्योंकि फॉर्म्स के साइज़ बड़े होने शुरू हो गए इन्वेंट्री को रखना मुश्किल हो गया इनपुट्स की परचेज़ कई दफ़ा फॉरेन कंट्री से ट्रेड हो रही है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ना शुरू हो गई तो जब साइज़ ऑफ वर्किंग एनहांस होना शुरू हुआ एक्सपेंड होना शुरू हुआ और जब एक तरह से ये सेटअप हुआ कि जो मैनेजर है वो पहले स्मॉल लेवल ऑफ द बिजनेस को खुद ही कंट्रोल कर रहे होते थे तो उसका वो कई दफ़ा लेजर्स में हिसाब किताब नहीं रखते थे लेकिन जब इस किस्म का सेटअप हुआ कि मोर नंबर ऑफ़ द पीपल दे आर कमिंग टू ऑर्गेनाइज़ अ बिज़नेस तो उनके साथ जमा तफरीक हिसाब किताब रखने के लिए ज़रूरत पेश आई कि इन तमाम चीज़ों का इंदराज कर लिया जाए और अगर इसको मैं रिलेट करूँ कि हम अपने हिस्ट्री में जाएँ तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से अगर हम देखें तो हमें बड़ा वाजिया सबक मिलता है कि हम में मुसलमानों को यह हुक्म हुआ था कि जब भी आप कोई महदा कर रहे हों ट्रेड का कर रहे हों तजारत का कर रहे हों तो आप अशिया को इंदराज कर लें महदे को लिख लें और नहीं तो कम अज़ कम उसके ऊपर दो गवाह मुकर कर लें और उसी तरीके से जब चीज़ों की कीमत के बारे में हो तो उनके तमाम पर्टिकुलर्स और फैक्ट्स को असेस करके उनकी वैल्यूएशन करें तो दोनों तरह से अगर हम देखें तो हमारे लिए हुक्म मौजूद था कुछ दूसरों के लिए भी शायद कहीं कुछ चीज़ों का इंदिराज हो लेकिन लोग उनको प्रैक्टिस नहीं करते थे तो वैन देर वाज द एक्सपेंशन इन द बिज़नेस तब उस वक़्त इसका इंदराज होना शुरू हुआ और अभी भी अगर हम आजकल के दौर में देखें तो जो हमारे एग्रीकल्चरल सेटअप में बहुत से ज़िम्मेदार हैं वो इन चीज़ों का सही तरीके से इंदराज नहीं कर रहे होते हो सकता है कुछ बड़े लेवल पे जो फॉर्म्स हैं वो अपने तमाम अखराजा का और आमदन का हिसाब किताब जो है वो रख रहे हों तो अदरवाइज़ जो स्मॉल लेवल पे एग्रीकल्चरल सेटअप है या शायद दूसरे वो अभी भी इसको कॉस्ट अकाउंटिंग को नहीं ले रहे होते अब अगर हम देखें तो इसके कुछ स्टेप्स हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता क्या है तो सबसे पहले यह है कि हमें एंट्रप्रनोर को यह देखना होता है कि उसको आइडेंटिफाई करना है कि किस किस पार्ट में अखराजात इन्वॉल्व हो रहे हैं या उसके प्रोडक्शन प्रोसेस की कौन सी एक्टिविटी है जो उसके अखराज का बायस बनती है और इसीलिए वो बहुत सारे अपने प्रोसेसेस को कॉस्ट की फॉर्म में उसको आइडेंटिफाई करता है और क्लासिफाई करता है व्हेन जो हमारे पास सेटअप आ गए कि ये हमारे खराजात के हैं फिर उनकी मॉनेटरी वैल्यू को देखते हुए अब यहाँ पे हम चूंकि नेक्स्ट मॉड्यूल्स में देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ों की हमारे लिए इकोनॉमिक वैल्यूएशन करना या अकाउंटिंग वैल्यूएशन समटाइम्स बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है तो उसके लिए फिर बहुत मुख्तु मैथड्स किए जाते हैं लेकिन इन शॉर्ट वे विल से डैट हम जो ऑस्पेक्ट्स को हमने कॉस्ट के तौर पे ले लिया फिर उनको कॉस्ट असाइन की जाती है और मोस्टली वो कॉस्ट उस वक़्त के जो करंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो मार्केट प्राइस होती है उसकी बेस के ऊपर उसको देखा जाता है उनकी इंडिविजुअल कैलकुलेशन मींस कितने यूनिट खरीदे गए कितना उनके पास खर्चा आया तो हर एक का अलहदा अलहदा अखराजात का हिसाब करके लेजर या रजिस्टर में उनका इंदराज किया जाता है जब ये तमाम खराजात को हम एंटर कर लेते हैं देन द थर्ड स्टेप इज़ दैट कि अब हम इनका कंपेरिजन कर सकते हैं मीन्स आपने आज में कह सकते हैं कि कितने यूनिट्स ऑफ एनर्जी मीन आपने एक प्लांट को चलाने के लिए कितना तेल या बिजली इस महीने ली है कितने पिछले महीने ली थी या कितने मजदूरों को पेमेंट इस महीने हुई है कितनी पिछले महीने हुई थी और बल्कि इसी महीने को अगर हम काउंट करें तो पिछले साल के इस महीने में इतने ही यूनिट्स ऑफ लेबर परचेज करने के लिए कितना आपने आउटलेल किया था तो इसलिए हम यहाँ पे कंपैरिजन में जाते हैं वो कंपैरिजन फ्रॉम वन प्रोसेस टू अदर प्रोसेस भी हो सकता है और उनकी बेस पे फिर परफॉर्मेंस की असेसमेंट होती है अब जब परफॉर्मेंस की असेसमेंट है तो परफॉर्मेंस भी इसी तरह सेगमेंट वाइज भी हो सकती है और एक्टिविटी वाइज भी हो सकती है एंड देन आफ्टर द एनालिसिस दिस कॉस्ट अकाउंटिंग इट प्रोवाइड्स अस द अपॉर्चुनिटी टू हैव द फ्यूचर प्लानिंग एंड द पोटेंशियल बिजनेस डिसीजन नाउ कमिंग टू द पॉइंट दैट कि हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग क्या एक ही किस्म की होती है तो देन वी से दैट इट कैन डिपेंड अपॉन द वेरियस ऑस्पेक्ट मीन ये जॉब की नेचर पर हो सकती है क्योंकि एक प्रोसेस ऑफ बिजनेस में बहुत टाइप्स की जॉब्स हो सकती हैं मीन द नेचर आपकी स्किल्ड लेबर और तरह की जॉब है आपकी परमानेंट लेबर और तरह की जॉब है आपकी कोई सीजनल लेबर है वो और तरह की हो सकती है आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए लगाना है तो वो अगर हम काउंट करें तो वो हमारे कही कहीं ना कहीं एक्टिविटीज़ में आ रहा होगा तो हम अलहदा आलहदा एक्टिविटीज़ की बेस पे भी अपनी वेरियस कॉस्ट को देख सकते हैं फिर प्रोडक्शन प्रोसेस में अगर हम देखें तो हमारा बहुत सारे प्रोडक्शन में एक डिटेल्ड प्रोसेस होगा मीन कई दफ़ा बहुत छोटे छोटे यूनिट्स प्लांट्स में बने हैं और फिर उनकी असम्बली होनी है असम्बली होने के बाद पैकेजिंग है एंड डिस्ट्रीब्यूशन है तो लाइक वाइज हमें उन प्रोसेस की भी पूरी की पूरी कॉस्टिंग देखनी होगी कि जहाँ पे वो सिर्फ़ उस प्रोसेस की इंडिविजुअल कॉस्ट जो है वो क्या हमारे पास आ रही है फिर एक बिजनेस को करने के लिए हम समाइम्स एक आइडियल या थ्रेश लेवल असरटेन करते हैं एंड दैट प्रोवाइड्स अस द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अब ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इसी तरह है जिसमें हम कहें कि अगर हम आज कंस्ट्रक्शन के तौर पे अगर देखें तो एक कंस्ट्रक्शन इंजीनियर विल डिवाइस कि पाँच मरले का घर अगर बनाना है और उसकी इतना प्लॉट का साइज उसमें चूंकि स्टैंडर्ड इतना सीमट लगना है इतनी ईंटें लगनी हैं इतना लेबर यूटिलाइज होनी है उसमें कितना आ, स्टील इस्तेमाल होना है वुड कितना होगा तो जो एक एवरेज हाउस का कवर्ड एरिया कितना है तो वो एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कर सकता है एंड देन इट विल प्रोवाइड अस फर्दर इनसाइट कि उस स्टैंडर्ड से हम एक्सीड कर रहे हैं या हम उस स्टैंडर्ड से बिलो जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन के दौरान तो वो एक बेंच के तौर पर काम करेगा उसी तरीके से समटाइम्स हम पूरी की पूरी सिर्फ टोटल कॉस्ट भी लिख सकते हैं लेकिन समटाइम्स हम उसमें फॉर ऑल सेगमेंट्स को डिसेग्रीकेटेड करके भी हम उसका इंदराज कर सकते हैं अब इसका अगर हम देखें तो इसका हमें बेनिफिट क्या होगा सिग्निफिकेंस क्या है अगर ये इतना कंबलसम प्रोसीजर है तो आइदर इट इज यूजफुल और नॉट तो वेन वी से दैट वी हैव टू प्लान फॉर द फ्यूचर और वी हैव टू डि सर्टन Further production planning or the decision, then it should be based on certain data. And if that data is not particularly accurate and according to the market rate, it will not be useful for the production engineers or the planners. So, accurate information of the cost are the very crucial part to have the proper performance evaluation and even for the future planning.

लेकिन हम ये असेस करने के लिए कि उन चार या पांच शोबा जात में से क्या तमाम के तमाम शोबे उसी तरीके से काम कर रहे हैं हो सकता है प्रोडक्शन प्रोसीजर और तरीके से चल रहा हो ट्रांसपोर्टेशन और काम कर रहा है इन्वेंट्री और है जिसका सेल एंड परचेज़ है वो और है मार्केटिंग का शोबा अलहदा है तो हर अलहदा शोबे की परफॉर्मेंस को भी इंडिविजुअली असेस करने के लिए दिस विल बी अ वेरी यूज़फुल टेक्निक हम देखें कि उनके लिए कि उनकी परफॉर्मेंस किस बेस पे है और दिस परफॉर्मेंस विल फर्दर प्रोवाइड अस द अपॉर्चुनिटी टू हैव द एफिशिएंट लेवल ऑफ दैट सेगमेंट और द स्ट्रक्चर और इसी तरीके से जब हमने किसी भी काम की प्रॉपर बजटिंग करनी है तो दैट बजटिंग रिक्वायर्स द प्रॉपर रिसोर्स एलोकेशन तो वो रिसोर्स एलोकेशन उस वक्त तक मुमकिन नहीं होगी जब तक हमें प्रॉपर प्राइसिंग यूनिट्स और प्रॉपर ऑल सेटअप का डाटा अवेलेबल ना हो so cost accounting is a very useful very important to have the proper accurate information not only related to past but also for the planning of the future production process thank you